मथुरा में लगातार डेंगू और वायरल के मरीज निकल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह का कहना है कि मथुरा जिले में अब तक 350 डेंगू वायरल के मरीज मिले हैं, जिनमें से 293 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य की टीमें लगातार लोगों के उपचार में जुटी हुई हैं। देखिए, इस समय जनपद मथुरा में हमारे फीवर के मरीज लगातार मिल रहे हैं। जब फीवर के मरीज हमारे संपर्क में या कहीं से भी सूचना आती है किसी ब्लॉक लेवल पर, तो वहाँ हम अपनी हेल्थ टीम भेजकर उनका चेकअप कराते हैं। उनमें मुख्यतः हमारे डेंगू और मलेरिया के मरीज ही मिल रहे हैं। लगभग हमारे 350 के करीब हमारे डेंगू के मरीज हो चुके हैं, जिनमें से लगभग हमारे 293 के करीब अभी तक ठीक हो चुके जा चुके हैं। कितने बच्चे अब तक इसमें मृत हो चुके हैं? देखिए, 15 की डेथ हमारी हो चुकी है, तो बाकी का अभी फिलहाल लेटेस्ट कोई डेथ की सूचना नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने मंच पर संबोधन में कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज में सबको प्राप्त हो, यही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। SC/ST मोर्चा या महिला मोर्चा हो, उनको उनके कार्यों के प्रति जागरूक करके सबका विकास होना है। हमारे लिए ओबीसी मोर्चा हो या SC/ST मोर्चा, महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा, ये समाज को बांटने के नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करके व्यवस्था के साथ जोड़ करके उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र यही है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के बाद तुष्टिकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, तुष्टिकरण की उस राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त भी करेंगे। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।